यार बोल रहे खूब खाटी हूं। আমি তো সাকি বুঝলাম না, সব একই মনে হচ্ছে। এই ফুল ফুল গুলো ও ঠিক আছে। আমি গ্রামের মানুষ চাইছি কেমন লাগে, অনেক কাজ করেছি মাঠে, অনেক হাল চড়িয়েছি, মানে মানে হ্যাঁ খেতিবাড়ি করছিলাম অনেক, দেখছো এইজন্য গামছা পরে আছে। তো গাইস দেখ পারে ও পুরা যে ক্ষেত না পুরা মতলব সুনেরে ধান সে ভর গয়া হে সারা হে, ইতনা সুন্দর লাগ রহা হে না। তো ইস সাল ওলা চার আওয়াজ কা দাম জানা বহুত লা ঘট জায়েগা হে না। अच्छा लग रहा है पर थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि बहन थोड़ा हम लोग को मिस करेगी, वो सो रही थी, हम लोग आ गए नहीं तो उसको उठा देते ना, तो फिर वो रोने लग जाती, इसीलिए पागल बन गए हैं। और जैसे कि जी हां आ गए हम लोग, कल बहुत सब लोग बहुत खुश है। जर्नी करके आया था ना गाइस, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था, तो ज़्यादा मस्ती नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, विसर्जन का दिन तो है, तब बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे। यार बोल रहे खूब खाटी है, बहुत काम है यार, क्या बताएं, आज होने वाला है चिकन है ना। तो गाइस आज बनेगा देसी चिकन, तो इसीलिए जुगाड़ अभी हम और मम्मी कर रहे हैं। और इधर बड़े मामा जी जो है अभी देख पा रहे हो जो मतलब मुर्गी का जो बाल वगैरह है ना उसको साफ कर रहे हैं, और छोटे वाले जो मामा जी है वो खाने के लिए जितना सारा मतलब लगने वाला है ना जिससे मतलब आग जलाएंगे तो वही सब कट कर रहे हैं। तो दोस्तों गांव में एक ही कड़ी से खाना नहीं होता है, तो इसीलिए एक मछली भी आ गया था, तो उसको ही अभी मेरे छोटे वाले जो मामा जी है तो वो कट कर रहे हैं। तो गाइस हमारे फैमिली में ना सबसे अच्छी बात ये है कि सब लड़के भी खाना बनाना जानते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो देख पा रहे हो फिर अभी मम्मी जो है मछली को धोने आ गई थी, और इधर मामा जी जो है तो पत्ती लेके तो मतलब मुर्गी का जितना सारा और छोटा छोटा बाल है ना तो उसको ये भी कर रहे हैं रिमूव। আরো খসখসে পাতা হলে আরো ভালো পরিষ্কার হবে। তো অভি দেখ পাড়েও কি মতলব थोड़ा बहुत जितना सारा हेयर रह गया था ना उसको भी थोड़ा आग के मदद से उसको भी पूरा रिमूव कर लिया जा रहा है, जिससे तन को सा अभी कुछ भी नहीं रहा जाए। और फिर देख पा रहे हो अभी मेरे छोटे वाले जो मामा जी है ना तो वो अभी मतलब पीसेस काट रहे हैं, तो चलिए जल्दी से ये भी कर लेते हैं ख़त्म। दे दो তোমাদের কেউ একটু তুললাম। তো গাইস আবি হাম লোক সব যা রে মতলব শাক হতা না তো উসকো লেনে কিউকি মতলব উধর তো ইয়ার মতলব এক আটি 5 রুপিয়া 10 রুপিয়া মে মিলতা হ্যায়, তো ফির ইধর তো ফ্রি মে অর হামারে হি মতলব তালাব মে হুয়া হ্যায় কিউকি পানি সুখ গিয়া হ্যায় ইসিলিয়ে, তো ইসিলিয়ে হাম পহলে চল রহা হ্যায় চল যা রে হ্যায় और फिर जाके उठाएंगे सब लोग, मतलब सब लोग उठाएंगे हम नहीं, सब लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। गाइस आ गए हैं हमारे तालाब में और देखो कितना सारा साख हुआ है ना, तो यही सब उठाने वाली है। मम्मी अभी जा रही है उठाने के लिए, मम्मी ऑलरेडी चल गई, अभी मामी जा रही है। ए कोलकाता लेके रही की खाबी, हमरा खाई कोलकाता खाके तो की होई छे भय चोटे की रकम भावे जाछे सत्ती। अभी जहाँ खड़े हैं ना तो इधर उतरना नहीं उतर नहीं पाते थे क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा मतलब पानी रहता था है ना, तो भाई देखो ऊपर ऐसे इधर खड़ा है और अभी हम इधर है और हम लोग नहाने आ गए थे, तो मम्मी और मामी दोनों मिलके आ गई है। अभी देखो साख वगैरह जो सब है वो सब उतर आए हैं हम, देखो इधर तो आते ही नहीं थे हम डर की वजह से, देखो पूरा पानी रहता था इतना तक, पर अभी देखो कितना था पेड़ पौधा हो गया, कुछ दिन के अंदर ही फटाफट हो गया। फिर बरसात आएगा ना तो पूरा ये तालाब फिर से भर जाएगा, बहुत गहरा है, दिन में लग रहा है तनको सा पानी है पर बहुत गहरा है अभी अभी भी मछली है देखो। कल इसी तालाब से मामा जो है ना मछली पकड़ के लेके गए थे जो मम्मी पकड़ी थी और गिर गया था है ना, कह तो साख तुले नहीं अब हमें तो साख ही बुझदा तो सब एक ही मन हो फुल फुल गुलो ओ ठीक है। तो गाइस ये सारा है हमारा मतलब मैंगो का पेड़, देखो कितना सारा आम हुआ है ना,
ये है हम लोगों का पेड़ और इसमें बहुत सारा मैंगो आया है। देखो मेरा भाई का हालत देखो। तो अभी हम लोग सब मिलके आए हैं शाख तुलते। तो ये था और एक शाख जिसको उठाने के लिए हम लोग नहीं गए थे क्योंकि पानी है, तो मामा जी और मामी जी दोनों गए थे। ये कोलकाता जल गोड़िए घास क्वालिटी पे चान कोचिस। कोलकाता में तो टाइम कॉल का पानी आता है ना, इसीलिए इधर तो नहीं ना आता है। बांग्ला हिंदी सब एक करे दीची। हां हिंदी बंगाली मिक्स सब। आज के আমি গ্রামের মানুষ থেকেছি কেমন লাগে অনেক কাজ করেছি মাঠে অনেক হাল চড়িয়েছি মানে মানে হ্যাঁ খেতিবাড়ি করছিলাম অনেক দেখছো এইজন্য গামছা পরে আছি মাথায় আর এই হলো আমার দিদি আর এই হলো ভাই এই ভাই কুকাজ করছে। नहाने वहाने के बाद हम लोग सब आ गए थे खाने के लिए, तो देख पा रहे हैं देसी चिकन और फिर साथ में है मछली का कड़ी चावल, फिर सलाद में नींबू है, फिर खीरा है और साथ में टमाटर का चटनी है और पापड़ आप लोगों को दिखाना भूल गए थे। तो फिर अभी हो गए हैं रेडी घर जाने के लिए दोपहर को, क्योंकि हम लोगों का था 4:10 में ट्रेन। तो फिर देख पा रहे हो सब लोग हो गए हैं रेडी और 3 के अंदर ही घर से हम लोग निकल गए थे। तो गाइज ये रहा मामा घर, तो बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं इस जगह को, सबको मिस करेंगे बहुत ज़्यादा। तो बहन को बिना बताए आ गए थे, नहीं तो वो रोने लग जाती। टाटा गाँव का प्रकृति जो है ना बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। ये रहा हमारा पुल। तो गाइस देख पा रहे हो पूरा जो खेत है ना पूरा मतलब सुनहरे धान से भर गया है, सारा धान पक गया है और कितना जल्दी इतना टिकड़ी गर्मी में भी इतना अच्छे से धान पक गया है। देखिए दोनों साइड इधर ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत कट गया है इसीलिए आप लोगों को साथ पता नहीं चल रहा है, और इधर पूरा अभी भी भरा है, इतना सुंदर लग रहा है ना। तो इस साल मतलब 4 का दाम जो है ना बहुत ज्यादा घट जाएगा है ना। तो हम लोग जिस दिन आ जा रहे थे ना घर, तो उस दिन ही इधर था मेला। तो मेरी मम्मी या बचपन में सब लोग आते थे बहुत मस्ती करते थे इधर, हमको भी रहना था पर क्या करें पाड़ा में फंक्शन था, इसलिए फाइनली आज मुझे घर जाना ही पड़ रहा था। तो फाइनली हाईवे तरफ आ ही गए थे, तो इधर से कोलकाता डायरेक्ट बस वगैरह जाता है। तो फिर देख पा रहे हो इधर मासी घर के छोटी मासी घर के साइड आ गए थे क्योंकि विष्णु को घर छोड़ना था हम लोगों को। तो फिर फाइनली उसको घर छोड़ने के बाद हम लोग मतलब जा रहे थे ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी जल्दी। तो ये रहा गाइस चड़क का पेड़ देख पा रहे हो, तो इधर बहुत अच्छा अच्छा रिचुअल्स होता है, तो मुझे नहीं पता था कि ये इधर हो रहा है। तो फिर ज़रूर हम लोग आते हैं क्योंकि गाइस आप लोगों को तो बस एक ही चीज़ हम दिखा पाए थे उधर जो इतना सुंदर से धान पक गया है, इतना क्लोज अभी तो देखो ये अभी भी कच्चा है, ओहो इतना सुंदर है ना। और हम लोग स्टेशन में भी आ चुके हैं, देखो स्टेशन हमारा। तो गाइस देखिए शरद काल मीन्स जब दुर्गा पूजा आता है ना तब ऐसा वाला काशफुल जो होता है ना तब ही आता है। देखो अभी कितना सारा आ गया है ना, उधर भी देख पा रहे हो वाइट वाइट पूरा है। तो अभी हम लोग सब करमदली स्टेशन में आके वेट कर रहे हैं, जाना है हम लोगों को घर और बहुत ज़्यादा गर्मी है। गाइस
बन के जैसे भी हो फाइनली अपने घर आ ही गए, पागल बन गए हैं और आगे हम लोग कर बहुत, सब लोग बहुत खुश है इसीलिए। तो फाइनली आके देखे कि नहीं अभी पाड़ा में उतना भी तोड़फोड़ हो गया है, पर अभी भी आधा घंटा एक घंटा मेरे पास टाइम हो है रेडी होने के लिए। तो चलिए थोड़ा बैठ जाते हैं, पूरा पंखा वंखा चला, इतना ज्यादा गर्मी है गाइस। कोलकाता में आए ना ऐसा लग रहा था कि हवा का जो झोंका होता है ना वो इतना गर्म था कि क्या बताए। तो फाइनली आ गया तो ठंडा वंडा पानी पीते हैं, बैठते हैं कुछ, फिर होंगे रेडी और फिर मेरा फाइनल लुक आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए फाइनली आ गया है घर और बहुत अच्छा लग रहा है, पर थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि बहन थोड़ा हम लोग को मिस करेगी, वो सो रही थी हम लोग आ गए, नहीं तो उसको उठा देते ना तो फिर वो रोने लग जाती इसीलिए। और फिर भगवान जी को भी बहुत मिस करेंगे, मामा घर का जो मतलब गाँव का जो प्रकृति है, फिर मामा मामी, फिर वो पास में जो मम्मी दी रहती है, सब मतलब ओवरऑल सबको मिस करने वाला है सब लोग। तो चलिए फाइनली कोई बात नहीं, आ गए हैं तो अभी पाड़ा का पूजा है उसको थोड़ा कर लेते हैं एंजॉय, तो थोड़ा बैठ लेते हैं फिर थोड़ी बात हम होने वाले रेडी। मुंह धो के फाइनली ऊपर के रूम में आ गए और मेरा ऊपर का रूम जैसा छोड़ के गया था ना गाइस पूरा वैसा ही है। पापा मतलब ऊपर आते ही नहीं थे, 12 घंटे ड्यूटी करके आते थे, खाना वाना बनाते थे, खाते थे और सो जाते थे। तो चलिए अभी भूख लग रहा है पर इतना एक्साइटेड है क्योंकि पाड़ा में गान ऑलरेडी बजना स्टार्ट हो गया है और मुझे फटाफट आधा घंटे के अंदर होना है रेडी। कपड़ा भी निकलना है क्योंकि हम सोचे ही नहीं थे कि हम आ जाएंगे, और कपड़ा भी निकलना है और मम्मी भी आज होगी हम मेरे साथ रेडी और भाई भी होगा रेडी, तो फिर हम तीनों का लुक देखने के लिए आप लोग एक्साइटेड होना नहीं। तो वो तो जल्दी से चैनल को अगर हो तो जल्दी से मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब, और ऐसे न्यू वीडियोस के लिए सब्सक्राइब तो करना आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा और लाइक कमेंट शेयर करते हो जिससे मुझे बहुत अच्छा लगे, है ना। चलिए जल्दी से हो जाते रेडी भाई अभी से डांस कर रहा है। तो गाइस पूरा हो गया है रेडी, ज़्यादा कुछ नहीं किए थे, हल्का सा मतलब इतना ट्रैवल करके आए ना कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, थोड़ा सा वही कुछ टचअप किए, तो कैसा लग रहा ज़रूर बताना। चलिए जल्दी से चलते हैं बाहर। तो गाइस देख पा रहे हो ये जो भैया थे ना गाइस कितने ज़्यादा अच्छे से ये सब कर रहे थे और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत रिस्क वाला काम है तो मतलब फिर भी इतना अच्छे से वो कर रहे थे ना जैसे कि हर दिन करते हैं, पूरा रिलैक्स से कर रहे थे और सब लोग बहुत चिल्ला रहे थे गाइस, सब लोग बहुत खुश थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे ये सब जो हो रहा था। और फाइनली पहली बार हमारे पाड़ा में ऐसा कुछ हुआ था तो इसीलिए सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और देखिए गाइस वो माई गॉड मतलब इनका तो तारीफ करना ही पड़ेगा, इतना अच्छे से वो इतना सारा कुछ कर रहे थे ना, मतलब जस्ट फैब ऑसम। पर एक गाना बज रहा था ना जो जिसमें कॉपीराइट आ सकता था इसलिए हम ना गाना पूरा काट दिए थे। तो गाइस देख पा रहे उधर से आने के बाद गाइस इतना तो भूख लगा था, पानी भात बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, पानी भात था, फिर इसमें आलू चोखा था, बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स था। तो गाइस पाड़ा में अभी भी मतलब वो सब चल रहा है पर मतलब इतना जर्नी करके आया था ना गाइस इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था, तो ज़्यादा मस्ती नहीं कर पाए। तो कोई बात नहीं, विसर्जन का दिन तो है तब बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे, सारा क्लिप लेंगे आपको सारा दिखाएंगे, पर आज मेरा मन था कि आप लोगों को सारा हम दिखाए पर थोड़ा तबीयत खराब लग रहा था तो इसलिए हम फाइनली आ गए थे घर। तो आके देख पा रहे हो कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिए है, बाल भी बांध लिए है और कपड़ा भी चेंज कर लिए, तो चलिए जल्दी से चलते हैं सोने के लिए। तो चलिए फिलहाल के लिए बाय बाय, जो सब मेरे चैनल में न्यू हो सो चैनल को जरूर जरूर कर देना सब्सक्राइब। तो चलो फिलहाल के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। और हाँ एडवांस में आप सबको बता के रखते हैं कि गाइस कल है शुभ नववर्ष मीन्स बंगाली न्यू ईयर, तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी बंगाली न्यू ईयर का बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बंगाली में बोलते हैं कल जब बंगाली का न्यू ईयर है तो बंगाली में ही बोलना चाहिए, है ना। तो शुभ नववर्ष हो, तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करना कि आप लोग कैसे अपना दिन बिताने वाले हो। ठीक है चलो बाय बाय फिलहाल के लिए।